हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिंदगी वेलकम। सो बारिश का मौसम चल रहा है यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त, और ये मैं आपको कुछ हमारे मॉर्निंग सीन दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह उठते ही कैसा मौसम है यहाँ पे आज। एक्चुअली आजकल काफ़ी टाइम ऐसा ही मौसम रहता है। मॉनसून सीजन अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसमें जितनी इंजॉयमेंट हमें लगती है ना घर बैठे बैठे, और खाने पीने की जो क्रेविंग्स होती हैं वो भी, लेकिन साथ में जो बीमारी भी लेके आता है ना वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल कोल्ड एंड कफ का पूरा सीज़न यहाँ पे चल रहा है मॉनसून के साथ ही, बहुत ही एकदम वेदर चेंज हो गया है। तो अभी मैं यहाँ बना रही हूँ एक स्पेशल वाला काढ़ा, जो काफ़ी असर करता है मुझ पे भी और मोहित पे भी, और थोड़ा बहुत ये हम मीकू को भी दे देते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ मोटी इलायची डाल दी है, दालचीनी, एक लौंग और सौंफ, और ये थोड़ी सी मैंने चाय पत्ती भी डाली है। चाय पत्ती डालने से भी ना थोड़ा अच्छा सा मतलब फ्लेवर भी आ जाता है, और अगर आप अच्छी वाली जैसे चाय पत्ती यूज़ करते हैं तो काफ़ी स्ट्रांग होती है वो, और उससे भी बहुत असर पड़ता है कोल्ड एंड कफ में। और ये है अदरक, ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा मैंने पीस लिया है, और इसको आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे कूट के इसको डाल दिया था, और अब बस इसको हमें बॉईल करने के लिए रख देना है। कुछ लोग इसको इस तरह से बना के उसमें दूध भी ऐड कर देते हैं, चॉइस है, अगर दूध ऐड करना हो थोड़ा चाय जैसा बन जाता है वो। और ये मैं लास्ट में इसमें ना थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ, मेरे पास पाउडर ही अवेलेबल था तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोटी काली मिर्च है तो आप वो भी पीस के डाल सकते हो, और अच्छी चीज़ है। धीरे चलो, लो उमा को दे दो। ओली ओ दीदी, चलो ले फेंको, मामा मामा फेंके, ओ गई, लेके आओ लेके आओ। काढ़ा बना के हमने पी लिया था सुबह उठते ही, और अब मैं मीकू के साथ यहाँ पे खेल रही हूँ, थोड़ा उसके साथ टाइम पास करा रही हूँ उसका भी, लेकिन उसे बॉल से ज़्यादा इंटरेस्ट फ़ोन में है, क्योंकि उसे वो कभी मिलता नहीं है। उसे पता है कि मैं कुछ तो वीडियो बना रही हूँ, इतना तो इसको रिलेट होने लग गया। तो बस अब ये दूसरा गेम हमने स्टार्ट कर दिया था, जो पूरा पहले तो ये अपना बैग लेके जिसमें टॉयज़ होते हैं इसके, उसको पूरा तहस नहस कर देता है। सब कुछ उसका निकालने का तरीका कुछ इस तरह का है कि वो पूरा इस तरह से उसे खाली करता है, सब कुछ फेंक फेंक के, जब तक सब कुछ यहाँ वहाँ फैल ना जाए ना तब तक उसे मज़ा नहीं आता। तो अब ये ना ये जो ब्लॉक्स है उनकी बिल्डिंग बनाना सीख रहा है आजकल, और इसने मुझे सरप्राइज़ कर दिया था। पहले हमेशा ये इसको तोड़ता था, मैं इसको बिल्डिंग बना के देती थी और ये तोड़ता था, लेकिन अब ये बनाने लगा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो ट्राई कर रहा है हमें देख देख के, जैसे मैं और मोहित उसको ये बनाना सिखा रहे थे, तो अब वो ट्राई करने लगा है कि कैसे बनाते हैं। वो लगाओ, लगाओ, हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, गुड बॉय, ये रहा ये रहा, गुड बॉय मीकू, लगाओ लगाओ, हाँ लगाओ, एक ओए गिर गया। तो हम दोनों का ये सब गेम चल ही रहा था, लेकिन तभी ये पार्सल आ गया मेरा फ्लिपकार्ट से। ये आज मैंने एक ट्राईपॉड मंगाया है अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। एक्चुअली पहले एक छोटा सा ट्राईपॉड था, बहुत ही छोटा सा ऐसे ले लिया था सस्ता सा, लेकिन अब क्योंकि मैं थोड़ा वीडियोस के लिए सीरियस हो रही हूँ यूट्यूब के लिए, और रेगुलरली वीडियोस डालने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, तो फिर ये मोहित ने मेरे लिए थोड़ा अच्छे वाला बड़ा वाला ट्राईपॉड मंगा दिया है, क्योंकि बिना ट्राईपॉड के ना ऐसे वीडियोस बनाना, फ़ोन यहाँ वहाँ रखना नहीं बन पाती है, मतलब वीडियोस ढंग से ना। थोड़ा बहुत आप मैनेज करने को कर सकते हो, जैसे अब तक मैं मैनेज कर रही थी, लेकिन फिर अब मोहित ने बोला कि नहीं मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अच्छा वाला मंगा ही देते हैं। तो बस इसकी अनबॉक्सिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एक्चुअली अकेले नहीं, मीकू भी देखो साथ में कर रहा है, उसके लिए कुछ अलग चीज़ थी ये। तो पहले तो उसने अच्छे से तसल्ली करके इसके साथ खेलिया है थोड़ी देर, मुझे यही हो रहा था कि आते ही इसका काम ना तमाम कर दे और तोड़फोड़ ना कर दे, लेकिन फिर भी उतना उसे तोड़फोड़ नहीं की, बस उसे अच्छा लग रहा था कि कुछ न्यू चीज़ आई है घर पे।
अच्छा आप में से अगर किसी को ये ट्राईपॉड बाय करना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्राइस इसका काफ़ी रीजनेबल है एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। वैसे मैं अभी यूज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं आपको कभी आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी कि कैसा है मेरा एक्सपीरियंस। सो अब मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं मेथी साफ कर रही हूँ। मेथी के पराठे बनाने का आज मूड बना था क्योंकि एक तो थोड़ा तबीयत भी, जैसे आप लोगों को पता ही है, मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, खांसी जुकाम सा हुआ है। मिकू की अभी तबीयत काफ़ी बेटर हो गई है, वो ठीक है, लेकिन अब फिलहाल मेरे और मोहित का फिर भी अभी चल रहा है थोड़ा। उसको पहले हुआ था तो वो पहले ठीक भी हो गया है, तो मेथी के पराठे ही सोचा बना लेते हैं, वो थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा। और क्योंकि कोल्ड एंड कफ में ना मुझे तो टेस्ट ही चला जाता है, मतलब मेरा तो ये है कि इस तरह की कोई चीज़ बनाने से थोड़ा सा टेस्ट आता है, वरना नॉर्मल सब्जी रोटी में मेरे को कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो मेथी मैंने यहाँ साफ कर ली थी, अब मैं उसको वॉश कर रही हूँ और वॉश करने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अच्छा, जो अब आप ये किचन में जो भी शूट देख रहे हैं ना, ये सब मैं ट्राईपॉड पर रख के ही कर रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कुछ आपको डिफरेंस लगा क्या मेरी वीडियोज़ में, जो एंगल्स जैसे मैं ले रही हूँ वीडियो बनाने में, तो ये सब कुछ ट्राईपॉड से काफ़ी, मुझे तो काफ़ी बेटर लगा और स्टडी भी है ट्राईपॉड, मतलब मेरा आईफोन है और बहुत अच्छे से वो उसको हैंडल कर पा रहा है। वेट इतना नहीं होता आईफोन का, लेकिन उससे ज़्यादा वेट वाले जो दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं आई थिंक वो उनको भी हैंडल कर पाएगा। तो अगर आपको भी इच्छा हो ये वाला ट्राईपॉड लेने की तो आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हो, आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब बस मैंने मेथी को ग्राइंड कर लिया था यहाँ पे और अब मैं ले आई हूँ आटा छान के। पहले मैं यहाँ पे ये कपड़ा बिछा रही हूँ क्योंकि जब भी मैं परात में यहाँ आटा गूंथती हूँ ना इसके ऊपर काउंटर के ऊपर, तो परात काफ़ी फिसलती रहती है, तो मैं इसलिए कपड़ा बिछाती हूँ नीचे। और यहाँ पे मैंने नमक मेरा मसालादानी में ख़त्म हो गया था तो पहले मैंने वो रिफ़िल किया और उसके बाद नमक ऐड किया आटे में। और अब ये जो मेथी का पेस्ट हमने बनाया था मैं इसको ऐड कर रही हूँ। मेरे को ऐसे पेस्ट बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ हमेशा मेथी के पराठे। और मिर्ची वगैरह भी कुछ अलग से डालना है ना, अगर लहसुन डालना है या मिर्च डालना है थोड़ा बहुत, तो मैं इसी में डाल लेती हूँ और वो साथ में ही ग्राइंड हो जाता है फिर मेथी के साथ ही, तो उनका भी टेस्ट आ जाता है। जब तक मैं आटा गूंथ रही थी ना, तब तक मोहित मीकू को लेके जाके थोड़ा नीचे घुमा लाए थे क्योंकि ना धूप काफ़ी कम निकलती है आजकल यहाँ पे, तो जब भी निकलती है अगर थोड़ी बहुत सुबह के टाइम, तो हम सोचती हूँ मैं कि उसको थोड़ा धूप लग जाए, एटलीस्ट मीकू को थोड़ी सी सनलाइट मिले, तो इसलिए उसको ले गए थे नीचे। अभी थोड़ी अच्छी धूप आई थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो वो थोड़ा सा नीचे गया है वॉक करने, तब तक मैंने कहा मेरा भी ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो ये मैंने पहले तो कढ़ाई से सब्जी निकाल के रख दी थी और अब मैंने यहाँ पे पराठे बनाने कर दिए हैं स्टार्ट। जैसे ही मैं परांठे बना रही थी ना, तो तभी मोहित और मीकू भी आ गए थे नीचे से, तो पहले मैंने उन दोनों को ही डाल के दे दिया। मैंने मोहित को कहा पहले खा लो और साथ में मीकू को भी खिला दो, खाता है तो। एक्चुअली मीकू को मेथी वाले परांठे ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, टच वुड, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ कुछ चीज़ें ही है जो उसको सच में पसंद है, वरना तो हर चीज़ नाक चढ़ा के नखरे करके खाता है ये लड़का। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, उसके बाद ये मोहित ना बाहर से शॉप से ये पेस्ट्रीज़ लेके आ गए थे और चॉकलेट पेस्ट्रीज़ मेरी फेवरेट है, मोहित लेके आ गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी शायद, इसलिए लेके आ गए मुझे थोड़ी सी ट्रीट देने के लिए, मुझे कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस ये हमने खाई फिर ब्रेकफास्ट के बाद साथ में बैठ के। और मोहित देखो बड़े वाला चम्मच लेके आए और मुझे खुद छोटा चम्मच दिया है खाने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तबीयत ठीक ना होते हुए मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालूँ, क्योंकि इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं यूट्यूब को बहुत सीरियसली लेके रेगुलरली वीडियोज़ डालूंगी ही डालूंगी। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।